हेलो भाई साहब, नमस्ते। नमस्ते भाई, क्या नाम है भाई साहब अपना? मेरा नाम दासा भाई रबारी। दासा भाई रबारी? रबारी, हाँ, राई का रबारी। ओके, और अपन कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जूनागढ़ जिला का बाटवा गांव से। जूनागढ़? हाँ, जूनागढ़ जिला, डिस्ट्रिक्ट जूनागढ़। अच्छा, यानी कि बोले तो शेरों के राज्य से। हुआ राजा सोरठ से, काठियावाड़ से। कभी देखे हैं शेर? हाँ, बहुत देखे हैं। बहुत देखे, इसने भी देखे हैं। कभी डर लगता है शेरों से? नहीं, डर नहीं लगता। क्या लगता? कभी नहीं लगता। कितनी दूरी से देखा है शेर को? पास में, 10 फुट से पास। तो नहीं खाते? नहीं खाते। कुछ नहीं कहते? नहीं, कुछ नहीं कहते। ओके, तो अभी अपने पास में घर में कितने घोड़ा घोड़ी होंगे? मेरे पास तो एक ही काठियावाड़ी घोड़ी, एक ही रखते हैं। प्योर मैंने एक ही रखी, एक ही रख रखी है। तो ये कितने टाइम से रख रहे हो आप? मैं 5-6 साल से मेरे पास। 5-6 साल से है आपके पास में? तो इसकी घोड़ी की क्या उम्र होगी अभी? अभी 6 साल हो गए। 6 साल उम्र है। और कलर की बात करें तो इसको? कलर को उसके हम गुजराती में बोलते हैं तो रोजी बोलते हैं उसको। रोजी कलर, रोजी है काठियावाड़ी घोड़ी। ओके, और हाइट में कितनी होगी? तो मालूम नहीं, 56-57 है ना? 56-57, क्योंकि इतनी आती है काठियावाड़ी में। 56-57। तो आपको क्यों लगा कि काठियावाड़ी घोड़ी रखनी चाहिए? मारवाड़ी भी तो है। काठियावाड़ी घोड़ी में क्या होता है, एक रेवल चाल बहुत अच्छी होती है और चलने में तेज होती है, मजबूत, उसकी शक्ति बहुत रहती है, यानी कि पावर रहती है, पावर रखते हैं, थकान नहीं लगती। तो आप इसको अभी राइडिंग में चलाते हैं? राइडिंग में चलाते हैं ना। कितना किलोमीटर चला लेते हो? 5-6 किलोमीटर अभी रोज डेली राइडिंग कराते हैं उसको। 5-6 किलोमीटर? हाँ, 5-6 किलोमीटर। और घर पे आने के बाद में लगता है कि नहीं, थकान कुछ नहीं, खाने लग जाती है, जो भी डालो खाने लग जाती है। तो अभी जैसे कि खाने में क्या देते हो आप इसको? खाने में तो रजका देते हैं, मूंगफली का पाला खिलाते हैं उसको। अच्छा, तो आपके हिसाब से कितना खर्चा आ जाता होगा, आपको क्या लगता है? हम तो शौक से पाला, तो कुछ खर्चा है नहीं। जब भी जो लोग नए हैं जो घोड़ा घोड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, शौक रहता तो कुछ खर्चा का, कुछ खर्चे का कोई वो नहीं है, है ना? महाराष्ट्र का एक पुणे जिला का है, मुझे 51,000 में ऑफर कर गया कि 51,000 दे दो, अभी 10 दिन का बचा है वो। अच्छा, और आपने पांडवी वाला का कन्हैया का बचा है? अच्छा, कहाँ का कन्हैया? मैंने मना किया बेचने का, नॉट फॉर सेल। नॉट फॉर सेल है, जो ग्रे कलर का कन्हैया है उसका बच्चा है। उसका बच्चा है। ओके, और बच्चा की उम्र क्या है? 10 दिन हुआ। 10 दिन का है। बच्चे थोड़े से क्या भगते हैं ना। बाकी आपको क्या लगता है बच्चे का कलर क्या हो जाएगा? गोल्डन हो जाएगा। गोल्ड, घोड़े जैसा ही हो जाएगा? कन्हैया जैसा बिल्कुल हो जाएगा। और घोड़ी का क्या नाम रख रखा है अभी? रोजी। रोजी, रोजी, रोजी कलर है तो इसलिए रोजी नाम है, तो रोजी रखो। और बच्चे का क्या रखोगे? बच्चे का तो अभी नाम नहीं रखा, 10 दिन ही हुआ, अभी देखेंगे उसको। तो बुलाओ पंडित जी को, नाम रखवाओ। बस यही रोजी। तो बच्चा हुआ तो पार्टी वार्टी करी कि नहीं करी? पार्टी वार्टी बहुत करी। नहीं करी बहुत? भग तो नहीं जाएगा? नहीं नहीं, भग जाएगा। घर में खुला ही रखता होगा पेड़ में? छोटा है तो 2-3 महीने खुला रखना चाहिए उसको। खुला रखेगा, खुला रखे। तो जैसे आप राइडिंग के लिए लेके जाते हो तो ये भी पीछे पीछे भग के जाता है क्या? ना, उसको घर छोड़ के जाते हैं। घर छोड़ के जाते, छोटा है तो रोता नहीं है फिर? नहीं, रोता तो है, थोड़ी देर रोता है। थोड़ी देर रोता है, पता चल जाता है आपको रो रहा है? पता चल जाता है ना, घर पे आदमी रहता है ना कोई। अच्छा, तो चिल्लाता होगा थोड़ा सा, ढूंढता होगा मेरी मम्मी कहाँ गई है। ओके, तो आप इस रोजी से अपना शौक पूरा कर रहे हो। वैसे क्या काम करते हो? वैसे मेरे फार्म हाउस में मेरे पास खेती है 20 बीघा। 20 बीघा, तो अभी क्या उगा रखा है उसमें? उसमें गेहूं डाला है, बारिश के मौसम में कपास डालते हैं, गेहूं डाल, भाई मूंगफली डालते हैं। मूंग डालते हो? और दूसरा जाफराबादी, मेरी चैनल है यूट्यूब चैनल, जाफराबादी बफेलो फॉर सेल गुजरात। अच्छा, चैनल भी अपना यूट्यूब? हाँ, यूट्यूब में चैनल है, मेरे सब्सक्राइबर है 10,000 के आसपास। 10,000 के? तो उसमें किसकी? कस्टमर आते हैं एमपी से, महाराष्ट्र से। किसकी वीडियो डालते हो उसमें? बफेलो की, ओनली बफेलो की। तो बफेलो वगैरह भी बेचते हैं आप? नहीं, कुछ नहीं, बफेलो, ओनली बफेलो। यानी वीडियो बनाते हो? वीडियो बनाते हो, और मेरे पास कस्टमर आता है, कोई भी कस्टमर, महाराष्ट्र का आता है, एमपी का आता है, तो उसको दिला देते हो? उसको दिला देते हो। आपके एरिया में ही बनाते हो? हाँ, हमारे एरिया में, जूनागढ़ डिस्ट्रिक्ट में। यानी आपके एरिया में, यानी कि गिर गाय का? और गिर गाय का नहीं करते हम। नहीं, वैसे आपके एरिया में गिर गाय और बफेलो वगैरह भी मिलती है? मिलती है, मिलती है। तो आपके हिसाब से अभी आज के टाइम में किस
तरह की बफेलो की ज्यादा वैल्यू है मार्केट में, जाफराबादी बफेलो की। जाफराबादी भी ज्यादा रहती है, फैट कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा रहती है, 8-9-10 फैट आता है उसको। और अगर दूध की बात करें तो कितना दूध देते? बात करें तो अच्छी भैंस लो तो 10 एक टाइम का 10 लीटर से आसपास दूध रहता है, 10-12 लीटर। 10-12 लीटर ओके। 6 लीटर से स्टार्ट होती है। 6 लीटर से बच्चे के साथ तो भगना पड़ता है ना। कोई नहीं कोई नहीं, खड़ा रहने दो। ओके थैंक यू भाई साहब, आपकी काठियावाड़ी घोड़ी और कन्हैया फेमस स्टालिन कन्हैया के दर्शन कराने के लिए। ओके।